वेलकम बैक टू मॉन्क एंड परमाणु। आज हमारी वीडियो होगी मैथमेटिक्स के चैप्टर डायनेमिक्स से। आज टॉपिक है रिलेटिव एसेलेरेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव एसेलेरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे कैसे समझा जाए, और उसके लिए हमारे पास हैं कुछ एग्जांपल्स। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जब भी वीडियो आए आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो रिलेटिव एसेलेरेशन को समझने से पहले हमें रिलेटिव वेलोसिटी को समझना होगा। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप अपनी 11th और 12th क्लास से करते आए होंगे। अब रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इजी कॉन्सेप्ट है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पता होगा। लेकिन रिलेटिव एसेलेरेशन को शुरू करने से पहले मैं एक क्विक रिव्यू करूँगा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए एक छोटा सा हमारे पास एग्जाम्पल होता है, कार ए एंड कार बी। अगर ये दोनों कार सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी विद डिफरेंट वेलोसिटीज लाइक 40 किलोमीटर पर आर एंड 50 किलोमीटर पर आर, देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 50 माइनस 40, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। अगर ये जो कार हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी 40 एंड 50 ईच, तो उस समय हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 90 किलोमीटर पर आवर होगी। इसका एग्जांपल हम लगा सकते हैं कि जब दो कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो बहुत जल्दी एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, और उसमें बैठे जो यात्री होते हैं या फिर पैसेंजर्स जो हैं वो एक दूसरे को देख नहीं पाते कि एक दूसरे की कार में क्या चल रहा है। बहुत फास्ट स्पीड से वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसलिए वहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से टाइम क्रॉस करने में वो कम लगता है। ये हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। और इस सिचुएशन के अंदर जब दो कार एक दूसरे को एक डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं, इसकी स्पीड 40 है, ये इसको ओवरटेक करेगी, तो इसको क्रॉस करने में कुछ टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड जो है इनकी रिलेटिव, क्योंकि ये 40 पे है ये 50 पे है। अब इसको मैं रेस्ट पे समझूँ तो इसके अकॉर्डिंग इस पे सिर्फ 10 किलोमीटर की स्पीड है, तो इसको क्रॉस करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, तो वो टाइम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि वेलोसिटी जो है रिलेटिव है, इसके रिलेटिव है और वो 10 किलोमीटर यानी कि कम है। तो ये हम फील कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो हम इस कार को जब क्रॉस करते हैं तो हम देख सकते हैं कि पैसेंजर्स इसके अंदर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी समझने में काम करता है। तो अगर सेम डायरेक्शन में हैं कोई भी दो व्हीकल तो वहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी जो आर होगी वो हमेशा कुछ इस तरह होगी, डिफरेंसेस ऑफ दोज वेलोसिटीज। और अगर अपोजिट डायरेक्शन के केस में हम रिलेटिव जो वेलोसिटी रखते हैं वो हमेशा उन वेलोसिटीज का एडिशन रखते हैं। तो ये तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं डेफिनेशन दूं रिलेटिव एक्सेलरेशन की, तो सबसे पहले वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरह एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगी? रिलेटिव एक्सेलरेशन है टाइम रेट चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव एक्सेलरेशन चेंज है किसमें? रिलेटिव वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल अगर मैं कहूँ तो जिस तरह वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन है, उसी तरह रिलेटिव वेलोसिटी बाय टाइम रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा। ये सिंपल थ्योरी है। अब इस थ्योरी को हम समझते हैं विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम कंसिडर करते हैं एक बॉल और एक ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर देख रहा है कि एक बॉल जो है वो किसी हाइट एच से नीचे की तरफ छोड़ दी जाती है फ्री फॉल कंडीशन में अंडर ग्रेविटी।
अब जैसे ही बॉल को हम वहां छोड़ते हैं तो उसके अंदर एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.8। इसका मतलब है वहां जो एसेलेरेशन है वो 9.8 है, और जो वेलोसिटी है बॉल की वो इंक्रीज होगी कब तक, जब तक वो यहां तक नहीं पहुंच जाती, यानी कि फाइनल जब उसकी जो वेलोसिटी है इस पॉइंट तक मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पर अगर वो स्टेशनरी थी तो वो जीरो होगी, वी जीरो वी फाइनल। अगर मैं बात करूं इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, और यहां से जब ये बॉल गिरती है, जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो 9.8 होगी, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, इसके अंदर एक्सेलरेशन है 9.8। अब सिचुएशन हमें समझ आई कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो 9.8 है। अगर ये बंदा भी वहाँ पर जो बैठा है वो भी अगर दौड़ता, यानी कि समथिंग 5 मीटर पर सेकेंड, तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होती वो कुछ और होती, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर ये रेस्ट में है तो 9.8 होगी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। नाउ इमेजिन टू सच बॉल्स। अब हमें इमेजिन करनी है यहाँ पर दो ऐसी बॉल। फर्स्ट बॉल एक यहाँ है, यहाँ से हमने उसको रिलीज कर दिया, वो यहाँ पहुँच चुकी थी तभी हमने दूसरी बॉल को रिलीज किया अंडर ग्रेविटी। अब जो सेकंड बॉल है वो लेट हमने वहाँ पर रिलीज करी है, तो इस वजह से क्या होगा, इसके पास एट पर्टिकुलर टाइम टी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी v1, और यहाँ पर इसके पास एट पर्टिकुलर टाइम टी वो वेलोसिटी होगी कम, लेकिन इन दोनों के अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो सेम होगी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर फॉल हो रहे हैं। तो यहाँ भी और यहाँ भी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो सेम है, जबकि इन दोनों के साथ दोनों के पास अलग अलग वेलोसिटीज हैं। अब इसके पास वेलोसिटी v1, इसके पास वेलोसिटी v2। अगर दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी v1 एंड v2 वेलोसिटीज से, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो होगी v1 माइनस v2 या फिर v2 माइनस v1। जिसकी भी वेलोसिटी ज़्यादा है वो पहले लिखा जाएगा, कम वाला बाद में। तो इस तरह इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1। तो इस कंडीशन में हमने देखा इन दोनों के केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो नॉन जीरो है, लेकिन दोनों की जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, इसलिए इनके अंदर जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगी वो जीरो होगी। रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। अभी अभी मैंने वहां पर डेफिनेशन दी कि जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो रिलेटिव वेलोसिटी बाई टाइम है, यानी और उसका रेट ऑफ चेंज। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी वो हमेशा कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर केस में। अगर ये भी सेम एसेलेशन से, ये भी सेम एसेलेशन से गिर रहा है, तो हर टाइम ये उतनी ही वेलोसिटी गेन करेगा जितनी वेलोसिटी ये गेन करेगा। तो हर टाइम इनके अंदर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। रिलेटिव वेलोसिटी जो क्या होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो है। और जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा मतलब जीरो का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम, जीरो ही है वो। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट होने की वजह से रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। इन अबव केस रिलेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो। वी नो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी बाय डीटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। इफ डी आर वी जीरो आर ए इज जीरो, ये हमने अभी अभी समझ लिया। अब हम बात करते हैं अगर रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर जीरो ना हो तो फाइनाइट वैल्यू मिलेगी हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन की। इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, कार ए एंड कार बी 30 एंड 50 कांस्टेंट स्पीड से, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं तो इनके बीच की जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है 50, रिलेटिव वेलोसिटी जो है 50 माइनस 30 यानी कि 20 होगी, जो कि चेंज नहीं होगी एट एनी कॉस्ट। अगर वो चेंज नहीं होगी तो डी वी क्या होगा वहाँ पर, रिलेटिव वो होगा जीरो, और जीरो बाई टी जीरो, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, रिलेटिव वो है जीरो। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है कार ए एंड कार बी। यहाँ पर तीन सिचुएशंस के अंदर हमने कार ए एंड कार बी दिखा रखी है।
एट पर्टिकुलर टाइम टी वन, पर्टिकुलर टाइम टी टू एंड टी थ्री। टी वन केस में हमारे पास क्या है, कार ए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ये 40 की स्पीड से मूव कर रही है, ये इसके आगे है, ये इसके पीछे है, इस ये इसको क्रॉस करेगा। अब टाइम के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, ये 80 की स्पीड से है, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी 20 है, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी 50 है, और यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी 20 है। तो टी वन, टी टू और टी थ्री के अंदर क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटीज चेंज हो गई है। अब रिलेटिव वेलोसिटी चेंज है तो इसलिए इनके अंदर क्या होगी, रिलेटिव एक्सेलेरेशन होगी, क्योंकि डी वी जो रिलेटिव है वो नॉन जीरो है, तो आर जो है एक्सेलेरेशन जो रिलेटिव है वो भी नॉन जीरो होगा। तो इस तरह हम रिलेटिव एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि रिलेटिव एक्सेलेरेशन तब होगी जब रिलेटिव वेलोसिटी नॉन जीरो होगी। सिंपल। तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो वो सिंपल है, रिलेटिव वेलोसिटी की तरह ही होगा। अगर इसके अंदर 2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 के स्पीड से है और ये 3 मीटर पर इसकी स्पीड से है तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन जो होगी वो 3 माइनस 2 होगी, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो इसकी अगर 2 है इसके पास 3 है एक्सेलेरेशन तो रिलेटिव जो एक्सेलेरेशन होगी 3 प्लस 2 होगी। मतलब ये है कि रिलेटिव एक्सेलेरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, बस डिफरेंस उनको समझने का। तो आई होप यू विल लर्न दिस कॉन्सेप्ट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू। If you like the concept, please subscribe and share this channel, and don't forget to share with your friends also. Thank you.